तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हैंडसम मर्दों में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, फिरोज खान का वो भाई जिसका नाम भी कंट्रोवर्सी से जुड़ा, ये पहले बताते बारात लेके आते हम प्यार कर। अभिनेत्री जीनत अमान के कारण खूब आलोचना भी हुई, चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी। ऐसा इंसान जिसने मौत को हरा दिया, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। ऐसा इंसान जिसने द ग्रेट मराठा, जय हनुमान, जय महाभारत, टीपू सुल्तान और महारथी कर्ण जैसे सीरियल बनाकर 90 का दशक यादगार बनाया। लग जा गले दिल दुबा। जी हाँ, वे है हमारे सबसे चहीते कलाकार संजय खान। टैक्सी एक है मुसाफिर तो, या मेरे साथ आप चलिए या मुझे अपने साथ ले चलिए, अगर ये मंजूर नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। मैं सुनाती हूँ कहानियाँ, किस्से और भी बहुत कुछ आपके अपने चैनल पर जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। संजय खान की कहानी को हमने दो भाग में प्रस्तुत करने का वादा किया था। पहला भाग कुछ महीने पहले पब्लिश हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उस वीडियो में हमने शुरुआत से लेकर सुपरस्टार बनने तक की कहानी इस तरीके से प्रस्तुत की थी जहां जीनत अमान का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है, क्योंकि जीनत अमान के साथ रिश्ते के कारण उनकी कहानी छुप जाती है। इस कारण से उनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ और किन मुसीबतों को पार करके उन्हें कामयाबी मिली, ये बात आज भी अनजान है। इस अंतिम भाग में संजय खान की दूसरी इनिंग पर चर्चा करेंगे। मौत को इतने नजदीक से देखकर उन्होंने अपने जीवन की दूसरी इनिंग टेलीविजन के साथ शुरू की और वहां भी उन्हें कामयाबी मिली। पहले भाग में कुछ दर्शकों ने हमारे ऊपर कुछ आरोप भी लगाए। जीनत अमान के जिक्र के बिना संजय खान की कहानी अधूरी है, ऐसा कुछ दर्शकों का मानना है। संजय खान का टीवी से बहुत गहरा नाता रहा है। टेलीविजन पर चर्चा करने से पहले जीनत अमान के साथ उनके रिश्ते पर कुछ टिप्पणियां देना चाहूंगी। उस किस्से पर बात करने से पहले हमें ये भी बताना है कि हम दोनों बाजू पर चर्चा करेंगे। जीनत अमान के साथ जो हुआ उस पर भी बात करेंगे और इस पर संजय खान का क्या कहना है इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जीनत अमान की भावना दिखाकर हमें संजय खान को दोषी साबित नहीं करना है। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो चेहरे होते हैं। संजय खान और जीनत अमान के कहानी के भी दो चेहरे हैं। दूसरे लोग सिर्फ एक बाजू दिखाकर संजय खान को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, पर हम उनकी बात को भी सामने लाएंगे। सबसे पहले वो किस्सा क्या था इस पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जीनत अमान से शादी नहीं की थी, पर हमारी जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि शादी वाली बात झूठ हो सकती है। खबरों के मुताबिक 30 दिसंबर 1978 के दिन संजय खान और जीनत की शादी जैसलमेर में हुई थी। वहां दो विटनेस भी थे। उसके बाद 1979 में अब्दुल्ला के शूटिंग के दौरान दोनों अलग हो गए। जीनत अमान ने खुले तौर पर शादी वाली बात छोड़कर बहुत सी सीक्रेट बातें बताई हैं। फिर सवाल उठता है कि दोनों में कौन सा रिश्ता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीनत अमान संजय खान से प्यार करती थी। मारपीट वाली बात के दो पहलू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोनावला में संजय खान ने जीनत अमान को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, तो कुछ लोग मुंबई के ताज होटल का नाम लेते हैं। ताज होटल में संजय खान अपनी पत्नी जरीन के साथ एक पार्टी में थे, वहां जीनत अमान आई। इससे पहले संजय खान ने जीनत से अब्दुल्ला फिल्म के एक गाने के लिए डेट्स मांगी थी, जिसे देने से जीनत ने इनकार किया था। जीनत के संबंध किसी और इंसान से हैं, ये आरोप संजय खान ने लगाया। जब जीनत ताज होटल में आई तो संजय खान उन्हें एक कमरे में लेकर गए जहां मारपीट हुई। इस बीच संजय खान की पत्नी भी वहां आई। जीनत को छुड़ाने के बजाय उन्होंने संजय से कहा, इस कुतिया को वो दे दो जिसकी वो हकदार है। ये सब हो रहा था तब होटल के कर्मचारी भी वहां थे, पर किसी ने जीनत अमान की मदद करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद जीनत अमान कुछ दिन एडमिट रही।
सिने ब्लिट्स मैगजीन ने जीनत के फैमिली डॉक्टर से मुलाकात करके पूरा वाकया जानने की कोशिश की। डॉक्टर के अनुसार संजय ने पहली बार उन्हें मारा नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी। अब्दुल्ला फिल्म तो हिट हुई, पर जीनत और संजय खान का रिश्ता फिल्म से भी ज्यादा प्रचलित हुआ। इस किस्से के बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। जीनत अमान का आगे क्या हुआ ये हमने मजहर खान की वीडियो में बताया है, पर संजय खान का आगे क्या हुआ? अब्दुल्ला के बाद संजय खान का भी फिल्मी सफर थम गया। 1986 में उन्होंने सुनील दत्त और अनीता राज को लेकर काला धंधा गोरे लोग फिल्म बनाई, जो संजय खान की आखिरी फिल्म साबित हुई। अब इस कहानी में संजय खान की बाजू पेश करना चाहूंगी। कुछ साल पहले संजय खान ने अपनी बायोग्राफी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने जीनत को लेकर वैसी बातें लिखी नहीं जिसकी लोग उम्मीद करने लगे थे। पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने इस किताब में जीनत से हुई मारपीट वाली बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया क्यों नहीं। इस पर संजय खान कहते हैं, एक इंसान ने इस बात को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया जिससे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब्दुल्ला हिट होने के बाद कई सारे प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए, पर मैंने सभी फिल्में ठुकरा दी। मैं हमेशा दुखी रहा, इसीलिए मैंने कोई फिल्म की नहीं। काला धंधा गोरे लोग हिट होने के बाद भी मैंने कोई फिल्म बनाई नहीं। हर कोई जीनत अमान को हमदर्दी दिखाने लगा, पर मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि उस दिन असलियत में क्या हुआ। कुछ ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर इस कहानी को पेश किया गया, और ये काम उस जर्नलिस्ट ने किया जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। पता नहीं उसका क्या मकसद था, मैं दूसरी फिल्में कर सकता था। इस इंसिडेंट के कारण मुझे दोबारा पीछे मुड़ना पड़ा, इस प्रोपेगेंडा ने मुझे पीछे कर दिया। तो ये है वो बात जिसमें संजय खान इनजस्टिस की बात कर रहे हैं। जीनत और संजय खान की शादी हुई थी, ये बात हमें बिल्कुल झूठ इसीलिए लगती है क्योंकि संजय खान की बीवी ने उनका साथ कभी छोड़ा ही नहीं था। तो अंततः यही कहना चाहूंगी कि उस दिन कुछ तो हुआ था, ये बात सच है, पर असलियत में क्या हुआ इस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मारपीट वाली बात सिनेब्लिट्स मैगजीन ने बताई, ना कि जीनत अमान ने। और संजय खान जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे वो शायद सिनेब्लिट्स मैगजीन का वर्कर होगा। तो ये है इस कहानी की दूसरी बाजू। यहाँ से संजय खान की दूसरी पारी शुरू होती है। फिल्म जगत के बाद टेलीविजन जगत में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। संजय खान अकेले सुपरस्टार हैं जिन्होंने फिल्म जगत के साथ टेलीविजन में भी कामयाबी हासिल की। पर इस दूसरे पारी में एक घटना ऐसी हुई जिसके कारण संजय खान की जान तक जा सकती थी। 1989 में वे अपनी पहली सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान बना रहे थे। शूटिंग सेट मैसूर में लगा था, वहां एक दुर्घटना हुई और संजय खान 63% जल गए। इतनी गंभीर घटना के बाद पूरे फिल्म जगत में सन्नाटा छा गया, हर कोई उन्हें जिंदा देखना चाहता था। आपको बता दूं कि 40 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। संजय खान को अगले 13 से 14 महीने में 75 सर्जरी से गुजरना पड़ा। इसके बाद उन्हें अमेरिका भेजना पड़ा जहां उनके हाथ पांव की सर्जरी हुई। इस बीच अकबर खान ने उस सीरियल का काम जारी रखा। संजय खान असली जिंदगी में बहुत विचारशील व्यक्ति हैं। टीपू सुल्तान के बाद उन्होंने द ग्रेट मराठा जैसे सीरियल बनाकर लोकप्रियता हासिल की। उस जमाने में जय हनुमान सीरियल का क्रेज भी था। भगवान बुद्ध और मुगल एरा के जोधा अकबर की कहानी पर भी वे सीरियल बनाना चाहते थे, पर किसी कारणवश वो सीरियल बन नहीं पाई। 90 से लेकर 2003 तक टेलीविजन जगत में काम करने के अलावा उन्होंने परिवार का व्यापार भी संभाला। 90 के दशक में वे गल्फ कंट्री के साथ एक्सपोर्ट का काम भी करते थे। आपको बता दूं कि उनके परिवार के लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे। फिल्म जगत से अपना हाथ निकालने के बाद उन्होंने व्यापार और टेलीविजन को बहुत अच्छी तरह से संभाला। आग वाले दुर्घटना के बाद एक और जानलेवा हादसा 2003 के साल में हुआ। इस बार भी संजय खान बाल बाल बच गए। उस वक्त वे हेलीकॉप्टर में सवार होकर कर्नाटक के बालकोट जा रहे थे और उड़ान के वक्त टेक्निकल खराबी के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें संजय खान समेत 4 लोगों की जान बच गई। आपको बता दूं कि संजय खान के साथ विजय माल्या भी हेलीकॉप्टर में सवार था,
जो इन दिनों देश के बाहर छुप कर बैठा है। जैसे कि पहले बता दिया है कि संजय खान हमेशा देश सेवा के लिए तड़पते रहते थे। 2013 के साल में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब संजय खान आगरा में देश का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट भी तय हुआ था, पर कुछ साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और प्रोजेक्ट का काम रुक गया। संजय खान अपने पूरे परिवार के साथ बैंगलोर में ही रहते हैं। वहां उनका गोल्डन पाम्स एंड स्पा रिजॉर्ट नाम का अलीशान होटल था, जिसे उन्होंने 2012 के साल में 300 करोड़ में बेच दिया था। आज के दौर में शाहरुख खान ऐसे एक्टर हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नेटवर्थ है, पर असल में संजय खान और उनके स्वर्गीय भाई फिरोज खान को सबसे अधिक अमीर कलाकार माना जाना चाहिए। संजय खान की शादी 1966 में हो चुकी थी। उनकी पत्नी जरीन खान से उन्हें 4 बच्चे हुए, फारा, सिमोन, सुजैन और जायद। सुजैन की शादी मशहूर कलाकार ऋतिक रोशन से हुई, तो जायद खान ने भी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें पिता इतनी सफलता मिली नहीं। जायद को छोड़कर किसी ने भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई नहीं। अंततः इतना कहना चाहूंगी कि इन 3-4 साल में संजय खान ने 2 किताबें लिखकर अपने जीवन के बहुत सारे राज दुनिया को बताए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।